साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु साहित्यिक कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो पत्रिका साहित्य जगत। साहित्य जगत में सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय कथा साहित्य का उद्गम और विकास तथा नीति और लोक कथाओं की विशेषताएं। भारतीय कथा साहित्य का विश्व साहित्य में आदरणीय स्थान रहा है। भारतीय कथा साहित्य को विश्व कथा साहित्य का जनक तक कहा गया है। भारतीय कथा साहित्य की रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति और उपदेशात्मकता ने विश्व के सभी विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त की है। इसमें भारतीय जीवन, विचारधारा, कार्यकलाप और नैतिकता की अनुगूंज सुनने को मिलती है। अनेक कथाओं में व्यक्ति विशेष का नाम न रखकर पशु पक्षी या अन्य किसी जीव को उसके प्रतीक रूप में रखा गया है। यही कारण है कि बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी उसकी मनोहरता पर मोहित होते हैं। इनमें शेर, बिल्ली, चूहा, गीदड़, कौवा, तोता आदि पक्षी नीति शिक्षा, आचार शिक्षा और कर्तव्योपदेश देते हैं। इनमें कहीं कुतूहल है, कहीं विनोद है, कहीं हास परिहास और उल्लास है, कहीं छल प्रपंच है, कहीं प्रेम है तो कहीं विश्वासघात, कहीं धर्म है तो कहीं नीति, कहीं सदाचार है तो कहीं व्यवहार ज्ञान, कहीं भाव सौष्ठव है तो कहीं काव्य सौंदर्य। इसी विविधता के कारण सभी प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों के लिए ये कथा साहित्य आकर्षक और मनोरंजक रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय कथा साहित्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नीति कथा यानी उपदेशात्मक पशु पक्षी संबंधी कथा और लोक कथा। लोक कथा में ही अद्भुत कथा और कल्पित कथाओं का भी समावेश हो जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य में कथाओं का एक विशाल भंडार है जिसने भारतीय साहित्य पर ही अपनी छाप नहीं छोड़ी है बल्कि विश्व साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाला है। भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों ने कथा तथा आख्यानों का उपयोग अपने सिद्धांतों के विशदीकरण के लिए किया है। वैदिक, जैन तथा बौद्ध तो कथा कहानियों के धनी रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक तथ्यों का विवरण देना ही नहीं बल्कि व्यावहारिक उपदेश देना भी रहा है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणों और उपनिषदों में विस्तार से उपलब्ध कथाओं के प्राचीन संकेत ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के संवाद सूक्त तो चमत्कारी कथाओं के लिए प्रख्यात ही हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न देवी देवताओं के विषय में अनेक मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद आख्यानों की उपलब्धि होती है। इन आख्यानों की सूचना सामान्यतः ऋग संहिता में प्राप्त होती है। इनका विस्तृत वर्णन यास्क के निरुक्त में, शौनक के वृहद देवता में, कात्यायन सर्वानुक्रमणी की षड गुरु शिष्य प्रणीत वेदार्थ दीपिका व्याख्या में
तथा सायण के वेद भाष्यों में उपलब्ध होता है। सायण के पश्चात गुजरात के द्यद्विवेद नामक विद्वान ने समस्त वैदिक कथाओं का अध्ययन कर उनसे प्राप्त शिक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए नीति मंजरी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इन्होंने इस ग्रंथ में वेदार्थ दीपिका और सायण के वेद भाष्यों से अपने कथन तथा व्याख्यान की पुष्टि में अनेक उदाहरण दिए हैं। नीति मंजरी का एक हस्तलेख 1494 ईस्वी का है। इस प्रकार इस ग्रंथ का रचना काल 1400 ईस्वी के आसपास सिद्ध होता है। वैदिक कहानियों के स्वरूप की जानकारी के लिए ये ग्रंथ नितांत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से कथाओं के मूल स्रोत वेदों से कहानियों तथा उपदेशों का यह संकलन एक महान उपलब्धि है। इन वैदिक कहानियों का रूप पुराणों में, रामायण में और महाभारत में आने पर परिवर्तित हो गया, यद्यपि कथानक का मूल वही रहा। इस प्रकार ज्ञात होता है कि इस कथा साहित्य का उद्गम वैदिक साहित्य में ही है। ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त हैं जिनसे कथा साहित्य का मुख्य संवाद तत्व प्राप्त होता है। यास्क ने निरुक्त में इंद्रवृत्र युद्ध आदि को कथा का रूप दिया है। ब्राह्मण ग्रंथों में ये कथाएं अपने विस्तृत रूप में प्राप्त होती हैं, जिनमें कथा के साथ साथ उपदेशात्मक पद्यों का भी समावेश मिलता है। उपनिषदों में जीव जंतु कथाएं और विकसित रूप में हैं। महाभारत की पशु पक्षी कथाएं तो और भी विकसित रूप में मिलती हैं। रामायण में नीति कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के भरहुत स्तूप पर इस प्रकार की कथाओं के नाम खुदे हैं। पतंजलि ने अजाक कृपाणीय, काकतालीय, अहिनकुलम, काकोलुकीयम जैसी नीति कथाओं से संबद्ध कथा सूचक लोकोक्तियों का उल्लेख किया है। कथा साहित्य के विकास में बौद्ध और जैन मनीषियों का प्रशंसनीय योगदान रहा है। बौद्ध कथा ग्रंथों में अवदान साहित्य एक स्वतंत्र सत्ता रखता है। अवदान शतक सबसे प्राचीन संग्रह है। इसका तृतीय शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में चीनी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। दिव्यदान तथा अवदान शतक दोनों ग्रंथ संस्कृत गद्य में लिखे गए थे। बौद्धों की जातक कथाएं 380 ईस्वी पूर्व के लगभग विद्यमान थीं। इनमें बुद्ध के उपदेश गाथाओं के रूप में हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए कथाएं कही गई हैं। आर्य शूर की जातक माला संस्कृत में है। इसमें 35 जातकों का संग्रह है जिनमें बोधिसत्व के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं की संख्या 550 मानी जाती है जो पाली भाषा में लिखी गई थी। आर्य शूर उनका संग्रहकर्ता मात्र है। बौद्ध जातक कथाओं के अनुकरण पर जैन जातक ग्रंथ भी रचे गए। इनमें जैन तीर्थंकरों के पूर्व जन्म का वर्णन है। जैन कथा ग्रंथ उपमिति भव प्रपंच कथा, इसके लेखक सिद्धार्ष जैन थे। उन्होंने इस ग्रंथ की समाप्ति 906 ईस्वी में की थी। ये बोलचाल की संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक चीनी विश्वकोश में 200 बौद्ध ग्रंथों से संग्रहित कतिपय कथाओं का अनुवाद मिलता है। हरिशेण के वृहत कथा कोश में एक एक जैन सिद्धांत के लिए अनेकानेक कथाएं मिलती हैं। जैन तथा बौद्ध कथाओं के धार्मिक उद्देश्य के विषय में किसी प्रकार का साम्य नहीं मिलता। उनके स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। बौद्ध भिक्षुओं ने प्राचीन स्रोतों से कथाओं का चयन किया, परंतु अपने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इन नीति कथाओं में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया।
पंचाख्यान या पंचाख्यानक नाम से जैनियों ने इस प्राचीन नीति ग्रंथ को भारत तथा अन्य देशों में भी प्रचारित कर लोकप्रिय बनाया। बौद्धों की कहानियां अतीत से संबद्ध हैं तथा सीधे तौर पर उपदेश देती हैं। जैन कथाएं वर्तमान से संबंध रखती हैं और व्यंग्य रूप से उपदेश देने का काम करती हैं। उनमें भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण है। इस प्रकार हम देखते हैं बौद्ध कथा, जैन कथा, लोक कथाएं, वृहत कथा, पंचतंत्र, वेताल पंचविंशति, विक्रम चरित, शुक सप्तति, हितोपदेश आदि भारतीय कथा साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। भारतीय कथा साहित्य की नीति कथाएं एवं लोक कथाएं विश्व साहित्य में अपना अपूर्व स्थान रखती हैं। ये कथाएं बालोपयोगी हैं और इनमें कथा रूप में नीति के रहस्यों को सुबोध बनाकर समझाया गया है। ये मुख्यतया नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबद्ध हैं। इनमें जीवन का व्यावहारिक पक्ष वर्णित है। इनमें जीवन के भले बुरे दोनों पक्षों का वर्णन है, जैसे जीवन की पवित्रता, कर्तव्य पालन, मित्र की रक्षा, वचन पालन आदि गुणों के वर्णन के साथ ही छल प्रपंच, दंभ, कपट व्यवहार और दुष्चरित्रता जैसे दोषों का भी इनमें वर्णन किया गया है। इनमें जीवन का लक्ष्य आदर्शवादिता न बताकर लोक व्यावहारिकता और नीति निपुणता को कहा गया है। इन कथाओं में मानव पात्रों के अतिरिक्त जीव जंतु, पशु पक्षी भी पात्रों के रूप में आए हैं। कथाओं के पशु पक्षी पात्र मनुष्यों के तुल्य मित्रता, प्रेम, विवाद, लोभ, छल, विश्वासघात, संधि विग्रह आदि सभी कुछ करते हैं। उनके राजा, मंत्री, दूत आदि सभी कुछ हैं। ये अवसरोचित कार्य करते हैं। ये सभी मानवीय गुणों और दोषों से युक्त हैं। इनमें नीति और धर्म की शिक्षा दी गई है, अतः धर्मशास्त्र से भी इनका संबंध है। इनमें उपदेश या नीति के अंश को रेखांकित करने के लिए पद्यों में दिया गया है और कथा गद्य में दी गई है। एक ही भाव वाले विभिन्न श्लोकों को अनेक नीति ग्रंथों से संग्रहित करके वक्तव्य की पुष्टि के लिए दिया गया है। इनका विषय नैतिकता, सदाचार और व्यवहार ज्ञान है। इनमें जीवन की सफलता के लिए आवश्यक उन सभी गुणों का वर्णन है जिनके न जानने से मानव जीवन असफल रह जाता है। ये नीति कथाएं पशु पक्षियों आदि से संबंधित हैं, अतः मानव मात्र के लिए रोचक और उपादेय हैं। इनमें कहीं कहीं एक मुख्य कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाओं का समावेश भी किया गया है। इनकी शैली तथा भाषा सरल व सुबोध है। कथाओं में प्रवाह और रोचकता है। इनमें कथा, धर्म, दर्शन, उपदेश और काव्य सौंदर्य सब कुछ का समन्वय हुआ है। लोक कथाओं के द्वारा भी नीति संबंधी उपदेश दिए गए हैं, किंतु नीति कथाओं और लोक कथाओं में मुख्य अंतर यह है कि नीति कथाओं का उद्देश्य उपदेशात्मक होता है तथा इनके पात्र प्रायः जीव जंतु एवं पशु पक्षी रहते हैं, परंतु लोक कथाओं का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन रहता है। इनके पात्र मनुष्य होते हैं। इनमें श्रृंगार आदि रसों का परिपाक, भाषा की प्रौढ़ता तथा काव्य सौंदर्य जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं। हितोपदेश में नीति कथाओं के बारे में कहा गया है, कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदीह कथ्यते, अर्थात इन कथाओं के द्वारा बालकों को नीति शास्त्र का उपदेश दिया गया है और ये उपदेश ही इन कहानियों का प्रमुख उद्देश्य है।